हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग बहुत अच्छे हैं। अभी बजने सुबह के 6 ऑलमोस्ट, और बच्चों का है आज स्कूल। तो सेजल और आरुष दोनों उठ चुके हैं और ये मुझे कर रही है परेशान कि घुमा लेके जाओ, घुमा लेके जाओ। तो सही है, और आरुष के कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं। सेजल कल स्कूल गई थी तो उसके ऑलरेडी प्रेस हैं। तो आरुष महाराज उठो, पेपर है आज SST का, है ना? अच्छा, वो रखी आँख, चला, सही है सही है। चल फिर वो कर ले, बैग वैग लगा फटाफट। और सेजल अपना यहाँ पर बैग लगा रही है फटाफट। तो अभी देख लेते हैं, शायद दीप्ति ने कल आलू उबाले थे तो आज बनने वाला है आलू के पराठे मेरे ख्याल से बच्चों के। यस, ये है आलू। तो आलू के पराठे बच्चे लेकर के जाएंगे सुबह, तो बढ़िया है। आज मौसम बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है मेरे को। ये देखो बादल, और हवा भी चल रही है। ये देख देखो फ्लैग हमारा हिल रहा है, तो बहुत अच्छा है यार, बढ़िया मस्त। और ये अपनी बागबानी सही चल रही है, बढ़िया। ये देखो, हम ये श्रीनगर से लेकर आए थे भैया के यहाँ से, और मस्त हो रखा है ये भी। ये वाला भी देखो, बीच में गड़बड़ हो गई थी लेकिन अब ठीक है, और बाकी तो अपने सारे सही चल रहे हैं। बाकी कुछ इधर, ये भी देखो हमने काट दिया था, ये मस्त निकलना शुरू हो गया नीचे से, बहुत ही बढ़िया। लेकिन हमारे जो अंदर थे ना कुछ प्लांट, वो ख़राब हो रहे हैं। जैसे कि एक ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये अच्छा खासा ठीक ठाक सा था, लेकिन अब ये ख़राब होना शुरू हो गया। देखो पता नहीं क्या इसमें क्या हो गया। यहाँ पे बना रही है दीप्ति मस्त मस्त परांठा। तो अपने को भी परांठा ही मिलने वाला है क्या आज ब्रेकफास्ट में? फिर बैगन की सब्जी, या ओट्स भी बना सकती है। आई एम हैप्पी टू ईट। बच्चों के लिए तैयारी चल रही है। फ्रेंड्स, अभी आया हूँ एली को घुमाने के लिए, वो भाग गई। और हवा इतनी ज़बरदस्त चल रही है ना, मज़ा आ गया भाई गॉड। ये देखो पेड़, देखो कैसे हिल रहा है ज़बरदस्त तरीके से। बाहर सुबह का मौसम यार आज तो बड़ा ही मस्त हो रखा है। और मैंने टाइम लैप्स भी लिया है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। बड़ा सही है यार वो सुबह सुबह जो बादल और ये सब आ रखे थे ना, तो उसका मैंने टाइम लैप्स भी लिया है, वो भी दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, और एली को भी मैंने नहला दिया है, तो वो भी तैयार हो चुकी है नहा धो के, बिल्कुल फ्रेश हो गई है। तो अब पूजा करते हैं और फिर करते हैं खाने की तैयारी, क्योंकि लग रही है अब भूख, ब्रेकफास्ट तो चाहिए ही चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ किचन में, और मैं बना रहा हूँ अभी ओट्स। प्याज मैंने काट लिया, शिमला मिर्च, टमाटर भी रखा है, और इसमें तेल मैंने डाल दिया है। तो फटाफट ओट्स बना लेते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आज मैंने ओट्स बनाया फटाफट, और अपना बन गया है वेजिटेबल ओट्स। तो दीप्ति कैसा लग रहा है आज कि पतिदेव ने आज बनाया है तुम्हारे लिए ओट्स? बढ़िया लग रहा है, मैं नहा धो के आई, इतने में आपने ओट्स तैयार कर लिए, तो इससे ज़्यादा और क्या अच्छा हो सकता है। ये तो है। और फिर आने के बाद फिर दीप्ति ने बोला कि भैया इसमें घी भी डालो थोड़ा सा, एक एक चम्मच, तो मतलब स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर घी डल जाए ना। तो वो अभी एक एक चम्मच घी डाला है इसमें। तो चलो ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। ये भी तो बनानी है। बाइसेप्स? नहीं, बाइसेप्स तो नहीं बनेंगे। हाँ, इंटरनली स्ट्रॉन्ग, इसलिए ओट्स चल रहे हैं। ओट्स चल रहे हैं, प्लस घी चल रहा है। प्लस घी चल रहा है, सही है भैया, सही है सही है। तो सावन ख़त्म हो चुके हैं, और आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी बहुत दिनों के बाद। तो बेसन और मट्ठा लेने जा रहे हैं, तो ले आते हैं फटाफट। हल्की हल्की बौछारें शुरू हो गई हैं, तो भगवान ने मस्त कर रखा है मौसम आज तो, चिल्ड। बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और दीप्ति ने बनाए थे कढ़ी चावल मस्त वाले, बहुत दिनों के बाद खा रहे हैं तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है। पकौड़ी के साथ हैं, और हमने सारे फ़ोन के पासवर्ड चेंज कर दिए हैं ताकि आरुष गेम ही ना खेल पाए। टैणा टैणा कल ही कर दिया था, आएगा मुझे आएगा।
तो फ्रेंड्स अभी मैं एली को घुमाने ले जाने की कोशिश कर रहा था, मैंने जैसे ही इसको पट्टा लगाया और खींचा तो ये जाने को राजी नहीं है और अब मेरे पीछे पीछे घूम रही है। देख लो कितने नाटक है इसके, भयंकर ही नाटक है। आरुष तो चला गया अब नीचे खेलने के लिए और सेजल ट्यूशन से आ गई है पढ़ के, तो बढ़िया है। और बाहर का मौसम अल्टीमेट हो रखा है यार, क्या हवा चल रही है। देखो कल परसों तक हमारा ये झंडा जो था ये पताका ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था और आज हल्की हवा चल रही है ना बढ़िया, ये देखो क्या शानदार हिल रहा है, क्या बढ़िया लग रहा है इंडियन फ्लैग। अरे दीप्ति की पूजा हो चुकी है, दीप्ति अभी ये क्या बोलते हैं इसको, लोबान। यार बड़ा सही लगता है ये, ऐसा लगता है कि घर के अंदर पूजा हुई है, हवन हो गया, इस टाइप से कुछ लगता है, बड़ा सही चीज़ है ये, मुझे बड़े पसंद आया ये चीज़ सही में, बहुत बढ़िया। तो अब ठीक है, अब इसके बाद करेंगे खाने की तैयारी और मैं बजाऊंगा गिटार, थोड़ी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो अभी सेजल की एक फ़ोटो चाहिए उसको स्कूल के लिए, तो वही निकलवाने जा रहा हूँ। बच्चे भी पढ़ते हैं बिल्कुल एट द एंड, जब उनको बिल्कुल रात हो जाती है तब उनको ध्यान आता है एकदम ही यार। हाँ तूने कुछ नहीं बोला, क्या बोला तूने, पोर्टफोलियो, किस चीज़ का पोर्टफोलियो, स्कूल में इसका काम है, काम है पोर्टफोलियो का, पता नहीं भैया किसका काम है और इनको घूमने नहीं जाना है, पता नहीं क्या है। चलो मेरे को बेस सेंड कर, मैं जाता हूँ फटाफट पूछ कर आता हूँ। और यहाँ बना दी दीप्ति ने दाल मखनी है, इसीलिए वो मंगा रही थी तो घी, मक्खन तो है अंदर, मक्खन डाल ले, मक्खन डाल दिया ना, घी वैसे भी खत्म हो रहा है। चलो कल ले आएंगे, कल ले आएंगे, चलो मैं देखता हूँ अभी अगर टाइम लगा तो मैं ले आऊँगा। ठीक है अपना खाना आ गया है, दाल मखनी और रोटी, तो हम तीनों खा रहे हैं, दीप्ति भी बना रही है तो वो भी अभी खा लेगी और कल्ली एज यूजुअल खड़ी है। घूमने जाना था, लेने जा लेके जा रहा था लेकिन गई नहीं, पता नहीं क्या। अब ये लगा ये कुछ ऐसा लड़का है ये देखो ये आ गई यहाँ पे, लेकिन जाना नहीं है इसे घूमने के लिए, घूमने नहीं जाएगी, पट्टा बांधूंगा खींचूंगा तो बस बैठ जाएगी एक जगह पे या फिर अपने उसके नीचे चली जाएगी डाइनिंग के नीचे। तो आरुष खिला रहा है सबको चॉकलेट डब्बे में से, तो चॉकलेट खाते हैं एज ए स्वीट खाना खाने के बाद। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अगर आप नए हैं और आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मिलते हैं एक दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।